दोस्तों, आज हम बनाएंगे ब्रेड और एक गिलास दूध से बहुत ही लाजवाब रेसिपी। तो गर्मियाँ आ गई है, ठंडी ठंडी इस रेसिपी के मज़े लीजिए, जो कि बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पिंकी, आपका स्वागत है मेरे किचन में। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हम 5 से 6 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। तो बाकी ब्रेड को हम साइड में रख देंगे और एक ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे और उसको एक ग्लास के हेल्प से कट कर लेंगे। आप यहाँ पे कटोरा के हेल्प से भी कट कर सकते हैं या कुकी कटर से भी कट कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल है आपके पास उससे आप कट कर सकते हैं। और ये जो ब्रेड बच गया है इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका हम ब्रेड पोहा बना लेंगे। तो ब्रेड पोहा के रेसिपी के लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह से बाकी ब्रेड को भी हम कट कर लेंगे। तो एक ब्रेड के स्लाइसेस को हम कुकी कटर के हेल्प से आपको कट करके दिखाते हैं। तो इस तरह से आप कुकी कटर से भी कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सारे ब्रेड को स्लाइसेस के कट कर लिए हैं। और यहाँ गैस पे हम एक कढ़ाई लिए हैं और इसमें हम एक गिलास दूध डालेंगे। तो दूध को हम बॉयल होने देते हैं और यहाँ पर हम लिए हैं एक बाउल और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड। तो एक गिलास दूध के लिए हम 2 चम्मच ही कस्टर्ड पाउडर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे दूध। तो यहाँ पर हम 2 से 3 चम्मच दूध डालेंगे। दूध हम नॉर्मल टेम्परेचर पर लिए हैं, नहीं ज़्यादा गर्म है नहीं ठंडा है। तो इसको हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गया है, इसमें कोई भी लम्स नहीं दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दूध भी बॉयल हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, जो कस्टर्ड पाउडर के घोल बना के रखे थे उसको हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो पहले हम इस घोल को एक बार चला लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें थोड़े थोड़े करके डालेंगे। तो इस तरह से इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे चलाते जाएंगे। तो इसे एक बार में हम नहीं डालेंगे, नहीं तो क्या होगा कि नीचे जाकर ये जम जाएगा और बहुत सारे लम्स इसमें आ जाएंगे, तो ये खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से हम सारे घोल को धीरे धीरे डाल दिए हैं और इसे अच्छे से हम चला लिए हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो यहाँ पर हम 3 से 4 टेबल स्पून चीनी लिए हैं। अगर आप चीनी कम खाते हैं तो थोड़ा कम डालें। और इसे चलाते हुए लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक हम पकाएंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे डालें या इसके बिना भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये गाढ़ा हो गया है। तो हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम बंद कर देंगे और इसे नीचे ले चलेंगे सर्व करने के प्रोसेस में। तो सर्व करने के लिए यहाँ पर हम छोटे वाले ग्लास लिए हैं, आप चाहे तो बाउल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम ब्रेड कट करके रखे थे उसे हम पहले गिलास में इस तरह से डालकर इसे सेट कर लेंगे। और यहाँ पर जो हम कस्टर्ड बना के रखे थे उसे हम गरम गरम डाल देंगे ताकि ये ब्रेड के साथ अच्छे से सेट हो जाएगा। और हम फ्रूट में यहाँ ऑरेंज, अंगूर और अनार लिए हैं, आप अपने पसंद के फ्रूट ले सकते हैं। तो इसके ऊपर हम फ्रूट डाल देंगे और उसके बाद हम एक ब्रेड और इसके ऊपर हम डालेंगे और इसके बाद हम इसमें फिर से कस्टर्ड डाल देंगे। तो इस तरह से इसका हम 3 लेयर लगाएंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से फ्रूट डाल देंगे और इसके ऊपर हम एक और ब्रेड के स्लाइस डालेंगे और इसके ऊपर हम फिर से कस्टर्ड डाल देंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से फ्रूट डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा ब्रेड का पुडिंग बन के तैयार हो गया है। अब हम एक बाउल में बनाकर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो हम कुकी कटर से कट किए थे उसको हम इस तरह से बाउल में डालकर बनाएंगे। तो इस तरह से हम जो स्लाइसेस कट किए थे उसे हम डाल दिए हैं, उसके ऊपर हम कस्टर्ड डाल दिए हैं और इस तरह से फ्रूट डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा ब्रेड का पुडिंग बनके तैयार हो गया है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है।
तो अब इसे हम क्या करेंगे, 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे हम सर्व करेंगे। तो 15 से 20 मिनट हो गया है और ये ठंडा हो चुका है, तो आप देख सकते हैं सॉफ्ट और जूसी ब्रेड का लाजवाब पुडिंग बनके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप इसे इस तरह से मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। तो मेहमान आपसे ज़रूर पूछेंगे इसे बनाएं आप कैसे, ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुआ है। और बच्चे तो आइसक्रीम खाना भूल ही जाएंगे, बार बार इस रेसिपी को बनवाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।